नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा दुबे। खबर अमेठी से। प्रदेश व केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारियों को राज्यपाल को संबोधित सौंपा ज्ञापन। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद अमेठी में सपा जिला अध्यक्ष ने सादर विधायक सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर केंद्र व प्रदेश सरकार के नीतियों जैसे निजीकरण, कृषि सुधार विधेयक, बढ़ते अपराध, आवारा पशुओं से किसानों की फसल के नुकसान आदि के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए व सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और मांग की कि अगर किसान विरोधी बिल वापस नहीं हुआ तो सपा कार्यकर्ताओं सड़कों पर उतरकर ब्लॉक व तहसील स्तर पर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध करेंगे। उत्तर अवसर पर सपा जिला अध्यक्ष छोटे लाल यादव, सादर विधायक राकेश सिंह, गुंजन सिंह, प्रदीप पाठक, हनुमान मिश्रा, गिरीश यादव, ललित यादव सहित सैकड़ों सपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मध्यांचल ब्यूरो, रामप्रसाद शुक्ला की रिपोर्ट।